रिश्ते नामंजूर किए थे। अब देखिए हमारी बेटी की बात कहां जाकर खत्म होती, जहां से शुरू हुई थी। तुम्हारा मतलब तुम्हारी पैदाइश से है ना? और शट अप समीना, मेरा मतलब था ये रिश्ते नामंजूर होने के बाद फिर किसी रिश्ते की तलाश शुरू हो जाएगी। अरे वो तो होती रहेगी, अल्लाह तुझे सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कम हो बेश अब तक 120 रिश्ता नामंजूर किया है मेरी सहेली ने। आप क्या सोच रही है मम्मी? अरे सोचे मेरे दुश्मन, बस जरा जवानी याद आ गई थी, और तुम तो जानती हो जवानी दीवानी होती है। और हाँ, तुम्हारे डैडी को क्या जवाब दूं? जवाब? इससे बेहतर जवाब और क्या हो सकता है मम्मी? डैडी से कह दीजिएगा आशी ने रिश्तों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अरे तुमने तो तस्वीरों के टुकड़े टुकड़े किए हैं, मैं तो लोगों के दिल कुचल दिया करती थी। वैसे ये रिश्ते थे ही इस काबिल। कैसा है? तुम तो बहुत तेज हो बाबा। अभी मैंने कहा ये मुंह क्यों छुपाए बैठे हो, जरा मेरी तरफ तो देखो। आपकी तरफ देखकर अपने वालिदैन की गलती का एहसास होता है। काश वो हमारी आपसे शादी तुलवा कर ना करते बल्कि हमारी पसंद की कर देते। बहरहाल हमारी आपकी मुश्तरका पहली बेटी ने क्या जवाब दिया है? मेरी बेटी ने तो रिश्तों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपकी साहबजादी रिश्तों के टुकड़े कर देती हैं? ताज्जुब है आपने हमसे शादी के लिए कैसे हाँ कर दी थी। मेरे तो नसीब फूट गए थे जो अच्छे खासे खुशहाल घराने से यहाँ आ गए।
यहाँ भी बच्चे कम और खुशहाल घराना है, यहाँ कौन सी बच्चों की लाइन लगी हुई है? मैं किसी कबाड़िए की बेटी नहीं हूँ मिस्टर नासिर। मेरे लिए तो एक से एक अच्छे रिश्ते आते थे, मेरे डैडी के तो जहाज चलते थे जहाज। और हमारे यहाँ तो रेड़े चला करते थे। फिर वही हुज्जत? हुज्जत नहीं, अर्ज किया है बेगम, आप अपनी साहबजादी को संभालिए। 116वें लड़के का रिश्ता नामंजूर कर चुकी हैं और अब जो पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं वो नौकरियों के लिए मशरक़े वुस्ता की तरफ भाग रहे हैं, यहाँ एक भी नहीं बचेगा। मेरी बेटी जो कुछ कर रही है ठीक कर रही है नासिर। ठीक और गलत का तो आपको बाद में पता चलेगा, जब लड़की की गर्दन हिलने लगेगी, सर चांदी की तरह चमकने लगेगा, महल्ले के लड़के उसे देखकर डरने लगेंगे और जब बच्चे उसे छेड़ेंगे तो वो अपनी बत्ती सी फेंक कर मारा करेगी। मुझे तो ये गम खाया जा रहा है, मेरा क्या बनेगा आशी? क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू तो बड़े हौसले से रिश्ते नामंजूर कर देती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे लिए कल बड़ी सख्त घड़ी आ रही है। इसका मतलब है कल लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं? नहीं, अम्मी ने लड़के को बुलवाया है देखने के लिए। अरे तो क्या हुआ, टुकड़े टुकड़े कर देंगे इस रिश्ते के भी। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? क्यों घबराती है मेरी जान, अपना तो ये रोज का मशगला है, कल से तुझे भी आदत पड़ जाएगी। लेकिन सब कोरम पूरा होना चाहिए लड़के का इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ हाँ, जैसे तेरी मर्जी कर, लेकिन मेरी जान छुड़वा दे। बस तो फिर ठीक है, अभी फोन करती हूँ। रसिया फाखरा फिरदौस बाबरा सबकी मौजूदगी में तमाशा होगा। ठीक है? ठीक है। सईदा बहन मेरी बात मान ले, समीना के लिए इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा। आदाब आंटी। आदाब जी। रहो समीना कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है, मगर ये तुम सबने दावा किस खुशी में बोला है? हम समीना के होने वाले दूल्हा को देखने आए हैं आंटी, प्लीज एक आध मुलाकात हमारी भी करा दीजिएगा। सईदा बहन, लड़के को लड़कियों के पल्ले डाल के कहीं रिश्ता ना गवा बैठना। क्यों, ऐसी क्या बात है? अब मुझे इन लड़कियों के साथ ठीक नजर नहीं आते। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे लड़के में कोई कमी हो। अरे नहीं बहन, लड़का तो हीरे की कनी है, हीरे की कनी। इस जमाने में इतना अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, 600 रुपए माहवार तनख्वाह पाता है और आलतू फालतू बोझ भी नहीं। बस एक माँ है उसकी, अल्लाह उसे जिंदगी दे, बेटे की खुशियां देखना चाहती है। मगर आने को कब कहता था लड़का? 4 बजे दफ्तर से छुट्टी होती है, कहता था कि 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। हाय अल्लाह, इतना जिक्र मत करो रिश्ते का, हमारे दिल में गुदगुदी हो रही है। हाय शर्मीली, इतना मत सुनो, बगैर इंटरव्यू के रिश्ता नहीं सिलेक्ट हो सकता। तो फिर क्या प्रोग्राम है? जैसे ही रिश्ता कमरे में एंटर हो तुम सब मेरे इशारों पर अमल करना शुरू कर देना। तुम सब समीना बनकर उससे इजहारे मोहब्बत करना, और अगर तुम में से किसी ने भी उसके साथ हमदर्दी की तो हशर कर दूंगी तुम्हारा। अगर लड़का ठीक हुआ तो ये प्रोग्राम फिर भी चलेगा? बेचारी समीना का दिल बैठा जा रहा है। इससे एक बार फिर पूछ लो आशी। जी नहीं, मैं इतनी जज्बाती भी नहीं, अगर लड़का ढंग का ना हुआ तो जो आशी करेगी मुझे मंजूर होगा। गुड, वेरी गुड। रेशमा, 5 तो बज गए, अभी तक लड़का नहीं आया। अब बस आने ही वाला है सईदा बहन, लड़का 5 वक्त का नमाजी है और 100 मसलात का पाबंद भी। हेलो, आ गया लड़का? बेटे लड़का नहीं, पोस्टमैन है। साइकिल समेत ही अंदर आ रहा हूँ। रेशमा खाला जी, जरा पर्दा करवा दीजिए। पर्दा साइकिल पे आ गया, क्या चीज है ये? खुश दामन आंटी जी, कह
कैसा दीदा दिलेर है, आते ही आंटी को खुश दामन कह दिया। अब मेरा क्या होगा? तुम्हारा तो हो चुका, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मुझे सुकून मिलता है। वैसे अलावर जी, मुंह पे रुमाल क्यों रखा है? क्या नजले की शिकायत है तुम्हें? अब क्या बताऊं खुश दामन आंटी, अम्मा ने कहा था ससुराल जाकर जरा शर्मा के बात करना। अच्छा, तो तुम शर्मा रहे हो? जी हाँ जी हाँ, बस ऐसे ही मुकाम है जी। तुम्हारा पूरा नाम क्या है बेटे? जी शहाबुद्दीन शहाबू उर्फ जख्मी तकल्लुस है मेरा जी। वैसे अम्मा शेर कहने की इजाजत नहीं देती, कहती है आदमी का चालचलन खराब हो जाता है। वैसे फिर भी मैं शेर कह देता हूँ, अगर आप इजाजत दें जी तो शेर अर्ज करूँ। तेरे ऊंचे से अर्ज बाद में कीजिएगा, जरा अंदर आकर हमारी गुजारिश सुन लीजिए। मुस्तफा, यानी कि हमें एक इंटरव्यू अंदर भी देना पड़ेगा जी? हम तो एक एक तैयारी करके आए थे जी। तैयारी इतनी ही ठीक है, आइए आइए ना दूल्हा भाई। दूल्हा भाई ये क्या कसब करती है, अंदर समीना है। आप फिक्र ना करें आंटी, समीना दूसरे कमरे में है। खुश दामन आंटी, अगर आप कहें तो मैं अंदर चला जाऊं। मेरा मतलब है जख्मी साहब इस मरहले से भी गुजर जाएं जी। जाओ जी। शुक्रिया खुश दामन आंटी, आदाब अर्ज है। आदाब अर्ज है। साहब, हम लोग तो कब से आपके तीरे नजर का शिकार होने के इंतजार में बैठे हैं जी। इंतजारियां बेकरारियां, लेकिन ये अंदाजी इस किस किस्म का है आपका? और फिर हम तो वैसे भी इसको मोहब्बत की बीमारी से खौफ आता है जी। हमसे खौफ आता है? नहीं जी, आप सबके तो प्यार आता है। वैसे भी अपना मिजाज बचपन से आशिकाना है, लेकिन अम्मा जी का कहा टाल नहीं सकते, इसलिए आज तक इसको मोहब्बत की बीमारी से बचे रहे। वैसे भाई दीदी, आप में से समीना जी कौन सी है जी? हाय हाय, हम में से सभी का नाम समीना है। ओह अल्लाह, यानी कि हमें सब समीना को पास करना होगा? इसके लिए तो हम तैयार ही नहीं है जी। हम समीनाओं के परिस्थान में आ गए हैं, हमें तो एक समीना जी चुननी है जी। चुनाव यहाँ मुश्किल है गालिब जी। तुम जी जी, ये आप क्या गजल फरमा रही हैं? हमारे साथ तो कोई दुम नहीं लगेगी। फिर भी आप सही लगते हैं जी। जी क्या फरमाया आपने जी? यहाँ कुछ फरमाया नहीं जा सकता, कहीं बाहर जो किसी पार्क में किसी पिकनिक स्पॉट में, ताकि हाले दिलेदार अर्ज तो कर सके, तीन रोज बाद मिलेगा लालाजार गार्डन में। ओह अल्लाह, हो गई ना अम्मा जी वाली बात। जख्मी साहब के शेर सुनोगी तो फड़क उठोगी, जो कुछ कहोगी उसकी तकमील होगी। वैसे वहाँ असली समीना जी तो होंगी ना? बिल्कुल होंगी। फिलहाल तुम तपाकर भाग जाओ, मत बिल्कुल। ब्रेके तो लगाऊंगा ही नहीं, जब भी जख्मी साहब बत्ती के बगैर चले हैं, अक्सर पुलिस वालों ने शक्ल खाई है जख्मी साहब से, आज तक पकड़े ही नहीं गए। आज पकड़े गए हैं, इसलिए जान बचा कर भाग जाओ मुन्ना। मुबारक खुश दामन आंटी। ये किस पागल पर ले आई थी? समीना की शादी तो इससे मैं जिंदगी भर ना करूं। अरे ओ बंधु हजाम, मेरे यार मेरी जाने जिगर।
आ गया तू? एक मिनट बस अभी है। अभी अल गुंडू, ये क्या कर दिया? मेरी आधी मुझ साफ कर डाली? अरे सबर कर, बाकी आधी भी अभी साफ कर दूंगा। वहाँ गया था, क्या बना तेरा? बस कुछ ना पूछ, समीना जी से मिलकर आ रहे हैं और यूं समझ सीधे परिस्थान से उठते चले आ रहे हैं। अबे उड़ के आ रहा है, पीछे तुम लगी हुई। इसे हाथ बंद लगाइयो, ये समीना जी की निशानी है। बस कुछ ना पूछ, एक मुश्किल की घड़ी सर पर खड़ी थी समीना जी, हर कोने में खड़ी थी, बड़ी हाथ रोई तेरे याद की। वो तो तुम्हारी तुम से ही पता चल रहा है, लगता है बड़ा जबरदस्त रिश्ता मारा है तूने। अबे और रिश्ते की औलाद, मेरी आधी मूछ लगा या फिर से भी साफ करता। मैं कहता हूँ बुंदू, तू इनकी मुझे साफ कर, मैं तो अम्मा को आज के इम्तिहान का नतीजा बताया हूँ। बताइए बताइए, चलो मैं तुम्हारी तबीयत तो साफ करूँ। अम्मा जी क्या बना बेटे? बस कश्ती किनारे लगने वाली है अम्मा जी, लड़की वालों के यहाँ तूफान आ गया, वह यूँ समझे भवन में फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से निकले हैं, आखिर को पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान है शहाबुद्दीन शहाबू उर्फ जख्मी। जख्मी के बच्चे, कहीं वहाँ भी शायरी का दीवान तो नहीं खोल दिया था? हाँ नहीं, उसके बगैर ही काम चल गया था, लड़की वालों पर बड़ा असर पड़ा है अपना। बस कल की दुआ कीजिए कि अल्लाह अच्छा करे, जरा पहचान का मसला है। खैर कोई बात नहीं, हम भी पहचान ही लेंगे, आखिर को शहाबुद्दीन शहाबू उर्फ जख्मी है। जवानी दीवानी, जवानी।
ख्वाबों में तू है, ख्यालों में तू है, दिल में तू रहता है। मैं हूँ तेरी, तू है मेरा जमाना, ये कहता है। तेरे प्यार में रंग चुकी है तो आप पर शक हो रहा है, जरा खुल खुला कर बात कीजिए, कहीं आप हमारी मंगेतर समीना जी तो नहीं? मुझसे पूछने की बजाय अपने दिल का मशवरा लो ना। हाय, हमारा दिल तो कोन आइसक्रीम की तरह पिघल रहा है, वैसे देखे ना चारों तरफ पसीने ही पसीने हैं, जरा तबीयत शर्मीली सी है जी। हाय हाय पप्पू जी, ये शक में क्यों जवानी बर्बाद कर रहे हैं? अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं जी। हाय अच्छा, तो फिर ऐसा कीजिए, तीन दिन बाद पुराने खंडर में मिलिएगा, मैं बताऊंगी कि इस मुन्ने की समीना कौन है। यानी कि हमारे मुकद्दर तीन दिन के बाद खुलेंगे, दिल की खिड़कियां तीन दिन के बाद खुलेंगी। खुदाया हमारे ये वक्त कैसे गुजरेगा और हमारा क्या क्या खुलेगा जी? किस्मत खुलेगी तुम्हारी बग्गू गोशे। मैं बताती तुम्हारा वक्त कैसे गुजरेगा। बताइए बताइए, जख्मी साहब तो पिघले जा रहे हैं, जरा नजदीक करने का मौका तो दीजिए। हाय हाय ओ फल्ला, ये आप हमारे साथ क्या करने वाली हैं जी? बेग मात घर बुलाती हैं जब सब लोग दफ्तर चले जाते। क्या पकता है बेग, हम उन लोगों में से नहीं है। सीधी तरह मालिश कर और दो चार हाथ तगड़े लगा। नरम हाथ तो इसलिए लगाता हूँ मिर्जा साहब, एक दफा एक साहब से सख्त हाथ लगा दिया तो उसके गर्दन का मनका टूट गया, गर्दन क्यों लटक गई जैसे बिल्ली का बच्चा। खलीफा तुम बातें ज्यादा करते हो, काम कम। ये बदबू कहां से आ रही है? आप में से नहीं, तेल में से। ओ माफ कीजिएगा, दरअसल मैं मट्टी की तेल की बोतल में कड़वा तेल ले आया। क्या पकते हो? ना चली तुम्हारी दुकानदारी, घाकों से मारेगा तो। शाबू बहादुरी से मारे खाना भी बहुत बड़ा फन है, मगर तू ये कहां से गीला होके आ रहा है? कम अज कम अपने आप को निचोड़ ही लिया होता। वल्ला हम इंसान है, बिल्ली के बच्चे नहीं जो अपने आप को निचोड़ लेते। मुलाकात से महबूब के लिए गए थे। अच्छा, पाँव फिसल गया पानी में गिर के, अगर ये कपड़े गीले ना होते तो मेरा नतीजा निकल ही जाता। तेरा नतीजा कम ही निकला शाबू। वैसे तेरी बात मुझे ठीक ही लगती है बुंदू। तुम भी ऐवे ही हो यार, पड़ गया ना चक्कर। मैं तो कहता हूँ अभी मेरी शागिर्दी कर ले, सबसे पहले तुम्हें खतना करना सिखाऊंगा। क्या बकते हो उदय, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें ये उलझन पड़ी है कि हमारी असली महबूबा कौन सी है और तुम हमें इस काम में लगा रहे हो, शर्म नहीं आती? इसे हमारा दिल कहता है जिसने बालों में गुलाब का फूल लगा रखा था और तीन रोज बाद मिलने के लिए कहा था, वही हमारी असल महबूबा होगी। अरे पोंगे, ये तो कोई मसला ही नहीं है, इस बुंदू ने बड़े बड़े मसाइल हल कर दिए। मुझे साथ लेके चलो, ऐसी चंपी करूंगा कि असली समीना की बाल की खाल निकल आएगी। मगर नहीं यार, मुश्किल, तू किसी और चक्कर में पड़ जाएगा। हम घन चक्कर नहीं है, तालीम याफ्ता नौजवान है, मैट्रिक पास किए थर्ड डिवीजन में, पहचान लेंगे अपनी मंगेतर को। जाइए जाइए और अपने झाड़कों से चंपी कराइए, हम जा रहे हैं समीना जी की याद में।
बेगम, अगर आपकी नाफिस अक्ल पे गिरा ना गुजरे तो आशी की शादी के बारे में कुछ सोच लिया जाए। मेरे दोस्त का बेटा हाल ही में लंदन से तालीम हासिल करके आया है और उसने अपने बाप का कारोबार भी संभाल लिया है। अगर आशी मुनासिब समझे और आपका बावर्ची खाना इजाजत दे तो उसे किसी दिन खाने पे बुला के चाय पिला दी जाए। अच्छा हुआ तुम आ गई बेटी, तुम्हारे डैडी के दोस्त का बेटा। अगर तुम कहो तो उसे भी ट्राई कर लेते, तुम उसे देख लेना, अगर लड़का मुनासिब ना हो तो तस्वीर की जगह लड़के के टुकड़े टुकड़े कर देना। मेरा ख्याल है आप उसकी तस्वीर और दरख्वास्त ही मंगवा लीजिए। तस्वीर खिंचवाते हुए बच्चा जरा डरता है, अगर दरख्वास्त की जगह वो खुद आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, हम भी जरा इंसान के पीसेस होते हुए देख लेंगे। ठीक है तो ठीक है, हमारी अपने दोस्त को फोन करके जावेद को बुलवाए लेते हैं, लेकिन कबल इसके कि उसके यहाँ कपड़े फटें, हमारा एक सूट निकाल के वहाँ सीढ़ियों पे टंगवा दीजिए। जी ठीक है, ठीक है। घंटा लेट आए ना, मैं भी चाहता हूँ बस वो छतरी की तलाश में देर हो गई। ये छतरी ये अजीबी होती है, मिलने का नाम नहीं लेती, कभी आपको भी जरूरत पेश आई है जी? मैं अपनी जरूरत तो बाद में बताऊंगा, पहले इस बार में पड़ी दो चिट्ठियाँ शेर साहब के आने से पहले टाइप करवा के फौरन भिजवा दे। ये चिट्ठियाँ कारोबारी है या लव लेटर? क्या हो गया शाहबू जी तुम्हें? आई एम सॉरी सर, बदर आपका मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। ओ पल्ला, अपनी हंसी रोके मिस रीटा, अब फरन रोकिए। हाँ फनी, हमारा हंसी तुमको क्या कहता? हंसी जज्बात भड़काती है और अपने जज्बात किसी की अमानत हो चुके हैं बाखुदा, इसलिए आंखों में मैल आए नहीं सकता। ओफ तौबा, क्या खतरनाक इरादे हैं, कहीं कोई पंजाबी फिल्म तो नहीं देखी? वल्ला हमें तो शर्मो हया से पसीने आ रहे हैं, पसीने। इलेक्शन में खड़े होने का इरादा है, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, बस पसीने बोल रहा हूँ, पसीने। बहुत अच्छा कर रहे हो, कस्टम क्लियरेंस की फाइल लेकर मेरे कमरे में आ। लड़के साहब के लिए यहाँ एक झूला लगवा दो, कलाबाजियाँ खाया कर। वेरी वेल सर, वेरी वेल। अच्छा अच्छा, भाई जावेद से कहना कि थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अरे यार, वो तुम्हारी भाभी, उससे मिलना चाहती है। हाँ, अब तो उसे देखे हुए भी कई साल हो गए, माशाल्लाह काफी बड़ा हो गया होगा। क्या 7 तारीख को 7:30 बजे की फ्लाइट से आ रहा है? अच्छा भाई, तो हम एयरपोर्ट पे 7:30 बजे गाड़ी भेज देंगे। हाँ, 7:30 बजे तक हमें मत रोकिएगा, बर्दिखवे के लिए जा रहे हैं, संभालिए अपनी फाइल। बर्दिखवे के लिए जा रहे हैं, इसीलिए आप ये डिनर जैकेट में आए? जी हाँ, अरे जलिएगा मत, आप पर भी ये जवानी आई होगी, उमंग और मुरादों का ये वक्त आया होगा। बाखुदा तबीयत से लगता है महबूब की गलियों के चक्कर आपने भी लगाए होंगे। इस बुढ़ापे में अब तुम हमारे चक्करों की गिनती करोगे बदतमीज? हमने एक नहीं बल्कि 3-4 दर्जन रोमांसेस किए हैं, और वो भी मुख्तलिफ मुल्कों की लड़कियों से। जी जी, इतने वाला मिजाज रहे आप? क्या बकवास कर रहे हो, हमारे प्रोफेशनल रोमांसेस आवारगी कहते? बस इजाजत चाहता हूँ, पूछने आया था छुट्टी मिल सकती है ना, आज मौसम के असार ठीक नहीं, इसलिए छत्ती साथ लेकर आया हूँ, कुछ एडवांस लगा दे, शायद अंगूठी वगैरह खरीदनी पड़ जाए। पर दिखवे के लिए बेटे किस बदनसीब के यहाँ जा रहे हैं? जी पुराने खंडर में जा रहा हूँ। बहुत सही जगह जा रहे हो, शाबाश शाबाश। गेट आउट।
उल्लू का पट्टा डेफिनेटली वहां आया होगा। मैं नहीं मानती आशी, तुम नहीं जानती समीना, वो बड़ा चपाकू आशिक है। क्या कहा, तंबाकू आशिक? बारिश की वजह से रुकी होगी, वरना मोहब्बत में भला कौन रुक सकता है जी। वो आएगी जरूर जख्मी साहब, यहां से जाना मत, इसका यही तकाजा है। हाँ बस यहां से जाना मत, वो आएगी जरूर, जरूर आएगी। मैं जाकर देखती, वहां आया हो तो जरूर दीपक को बनाऊंगी, और अगर ना हुआ तो वापस चली आऊंगी। देख लो आशी, कहीं ऐसा ना हो कि उसके इश्क का बुखार मध्यम पड़ जाए और तुम्हें सचमुच कुछ। मुझे कुछ नहीं हो सकता, वैसे मेरा दिल कहता है वो अहमद जरूर आया होगा। अगर तुम्हारा दिल कहता है तो फिर चली जाओ। दाशी का बच्चा यहाँ पहुंच ही गया। ओ समीना जी, समीना जी, मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगी जी। आ तो गई हूँ, मगर आपके दांतों का म्यूजिक क्यों बज रहा है? आप काम कर रहे हैं? ये शरीर मौसम आपके मंगेतर से छेड़छाड़ कर रहा है जी। ये सर्दी का कांटा नहीं है, इसके दिल में आग भड़क उठी है जी। बस आप आ गई है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा जी। तो आप मुझसे इतना इश्क करते हैं? अजी क्या बताएं जी, अजीब आलम है दिल का, जब से देखा है तुम्हें। सच्ची सच्ची बताएं, आपके दिल की क्या हालत है जी? नहीं है अब रात सजना, सच्ची सच्ची कह दो मैं बात सजना,
तो बड़ा जिताते हैं, आज अपने प्यार का सबूत भी दीजिए ना। हैं जी? हमें वो फूल ला दीजिए। कौन सा फूल जी? वो फूल। हमें तैरना नहीं आता जी, और ख्याल है कि पानी भी बहुत गहरा है, इसके बजाय हम बाजार से आपको गोभी का फूल ला दें जी। अल्लाह, कैसे आशिक है, ज्यादा से ज्यादा डूब ही जाएंगे ना। हैं जी? अच्छा जी, फिर चलते हैं, छलांग लगा कर डूबें जी, या आहिस्ता आहिस्ता गर्क हो जाए, खाक हो जाएंगे हम जी, उनको खबर होने तक। बस आज कीजिए कि बाद में फातिया पढ़वा दीजिए। हैं जी? आतिश है जख्मी इश्क। शाबू बेटे, शाबू बेटे, अरे क्या क्या हुआ बंधु? इसका बदन तो बहुत बुखार बहुत जोरों का है माँ जी, इसका बदन तो बुखार से उबर रहा है। मगर ये पानी में भीगा कैसे? पुराने खंडर के पास जो तालाब है ना, उसमें गोते खा रहा था। अगर ये आदमी वक्त पे ना आ जाता तो खुदा ना खास्ता। अल्लाह ना करे, ये डायरेक्ट किसी हकीम डॉक्टर को ले आ। अच्छा जी। शाबू बेटे, तो तुम उसे पानी में डूबता हुआ छोड़ा ही? अरे क्या बताऊं समीना, जब वो पानी में डुबकियां लगा रहा था तो यूं लग रहा था जैसे कोई बरसाती मेंढक हो। अरे कम्बा, उसका पता लगाना चाहिए कहीं पानी में डूबकर मर ही ना गया हो। अरे मरने वाले आशिक इतनी चर्चा नहीं करते जितनी वो बकवास करता है। वैसे मैंने कुछ लोगों को उसे पानी से निकालते देखा था, बच गया। चलो शुक्र है कत्ल का मुकदमा तो नहीं टला। कत्ल का मुकदमा तो टल गया, लेकिन रिश्ते का मुकदमा फिर सर पर खड़ा है। क्यों, कोई और बंडल आया है तस्वीरों का क्या? जी नहीं, अब कोई जावेद साहब बनफसे नफीस तशरीफ ला रहे हैं। चलो एक तमाशा और मिल जाएगा। वैसे कब तशरीफ आवरी है उनकी? मम्मी बता रही थी कि आज से 6 रोज बाद आ रहा है रिश्ता। ये दवाई मसलसल देते रहिएगा और 5-6 दिन की छुट्टी ले लीजिए काम से, बुखार बहुत तेज है। कमल के फूल तोड़ के ला दूं, मगर हमें तैरना नहीं आता जी, कहिए तो गोभी के फूल ला दूं। बंधु, ये क्या बकवास कर रहा है? सब्जी तरकारी की बात कर रहा है, बकवास कौन कर रहा है माँ जी? वैसे आपकी दौलत के मुकाबले में हमारे प्यार की दौलत बहुत है जी। बंधु, इसे कहते झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना किसी दौलतमंद की एक ही शोकर इसे इसकी औकात बढ़ा देगी। शाबू जी, माँ देवर जी के आलम में हमने आपके आखिरी जुमले सुन लिए हैं, मोहब्बत करना किसी की मीरास नहीं, जो चाहे कर ले। अभी तो हमें कुछ मालूम भी नहीं, वक्त गुजरने के साथ साथ हालात भी बदलते जाएंगे। शाबू, अपनी हैसियत से ऊंचा नहीं उड़ा करते बेटे। जी क्या फरमाया आपने अम्मा जान, हैसियत हैसियत तो हमारी उनसे पूछी जाके। किन से? ये तो हम आपको 6 रोज बाद बताएंगे, क्यों बंधु नहीं है? हाँ हाँ जख्मी साहब, जरा बात सुनिए, ये 6 दिन आपने किसी मसरूफियत में गुजारे या किसी से याराना चल निकला है? चल गए ना आखिर, जरा शेर का मतलब तो बताइए, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। अबे तुझे क्या हो गया है जख्मी?
हमारी बारी आई तो चल उठे ना, खुद दिन रात सैनों से दीदेबाजी करते हो, हम पर पर्दे डालते हैं मियां। अरे कुछ सुना आपने, शाबू उठ जख्मी साहब को दोनों तरफ से आग लगी हुई है, मेरा ख्याल है कोई फायर ब्रिगेड वगैरह मंगवाए, कोई पानी वानी छिड़कवाए। पानी की भी खूब कही मियाँ, अगर छतरी से पानी न टपकता तो हम दूसरे ही दिन राजे दिल उगल देते कि हम पर महबूब की इनायत कैसे हुई। कुछ डिटेल से बताओ शाबू, कि तुमने लड़की को कैसे फंसाया। वल्ला लड़की को हमने नहीं फंसाया, अब पक्की पकाई मिल गई। अबे कम्बख्त, किसी मछली से तो इश्क नहीं शुरू कर दिया। वल्ला तमीज से बात कीजिए, हम अपनी महबूबा के बारे में गलत अल्फाज नहीं सुनेंगे। आपको क्या मालूम, जब रिम जिम हो रही थी तो उनकी आंखों में घटा छाई हुई थी, दिल धड़क रहे थे, हम फड़क रहे थे, आए हाय वो हमारी तरफ देख रही थी और हम उनकी तरफ देख रहे थे। शहाबुद्दीन ये क्या बतमीजी है, ये मेरा ऑफिस है, किसी थिएटर का स्टेज नहीं। जी तुम जरा मेरे कमरे में तो आओ। वेरी वेल सर, वेरी वेल। यहाँ मुलाजमत देती है उसका नाजायज फायदा ना उठाओ। ये बाहर क्या इश्किया डायलॉग बोल रहे थे, मजनू की गुमशुदा औलाद। जवानी दीवानी होती है, शुक्र करे हमने दीवानगी में आप पर पथराव नहीं किया। बस एक आदमी मोहब्बत की है हजूर, कौन सा जुर्म किया है। अच्छा ज्यादा बकवास ना करो, ये लिस्ट लो, बाजार से इस लिस्ट के मुताबिक चीजें खरीदो, कोठी पे मेहमान आने वाले हैं। और देखो मेहरबानी करना, मेहमानों के सामने ज्यादा देर तक ही अपना खूबसूरत मुखड़ा लेकर ना खड़े होना। वल्ला बंगले पर तो आज तक अपनी हाजिरी नहीं हुई और ये अपने मेहमानों का मलबा हम पर क्यों डाल रहे हैं, चीजें क्या हम अपनी जेब से खरीदे। तुम्हारी जेब से तो इश्किया खतूत और पेरिस के लिटरेचर के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। बहरहाल हर शरीफ आदमी का मुख्तलिफ दुकानों पे उधार चलता है, तुम्हारी सूरत देखकर तो दुकानदार घबराएंगे लेकिन ड्राइवर को चीजें दे देंगे। चीजें लेकर सीधे कोठी पर पहुंचो और सीधे कोठी पर ही जाना, रास्ते में कहीं बंदर का तमाशा ना देखने लगना। जाओ यहाँ से, चलो। अच्छी चीज, बहुत देर लगा दी, कब आएगा तुम्हारा रिश्ता। मम्मी और डैडी उसे एयरपोर्ट लेने गए, वाला है रिश्ता। आ गया, आज के केस में भी मेरा नाम समीना है। तुम आप मुझसे मोहब्बत करती है ना जी, और उस दिन वहां भी मिली थी। ओ यू शट अप, मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। मोती मोती, ये मुसीबत तो मेरा होने वाला मंगेतर ही बनकर आ गया था। थैंक्स गॉड, मेरी बेटी का माइंड तो क्लियर हुआ।
ये इतनी खुशी का इजहार किस सिलसिले में अंकल? बेटे तुम्हारी एक्सरे रिपोर्ट मिल गई है, कोई दाग धब्बा नहीं है, सब क्लियर है। अब तुम यहाँ से बगैर कुछ खाए पिए अपने घर जाओ और अपने डैडी से कहो कि वो शादी ब्याह की तैयारियां करो। थैंक यू अंकल। क्या कोर्ट चाहिए? शाहबुद्दीन जी, ये कार्ड्स तो लोकल हैं, ये तो आप यहाँ तकसीम करा दीजिए। ये बाहर पोस्ट होंगे, ये इस लिस्ट के हिसाब से आप बाहर पोस्ट करवा दीजिए। ये बहुत अच्छा जी। अदल बदल ना दीजिएगा जी। हाँ ये तो मेरी समीना जी है। समीना जी, समीना जी जो मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन लेकिन यहाँ तो उसका नाम आशी लिखा है। ये क्या जुल्म है आशी जी, आपने समीना बनकर हमसे मोहब्बत की और अब आशी बनकर किसी और की हो रही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था आशी जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप भी बेकसूर हैं, यकीनन आपको भी शादी के लिए मजबूर किया होगा। आप पर भी जुल्म किए गए होंगे और आप चुपचाप अपने अरमानों को लगा दी होगी। अरे क्या बात है शाबू, आज बहुत उदास नजर आ रहा है। क्या बताऊं बंधु, अपनी तो दुनिया ही लुट गई। तेरा अब रिश्ता नामंजूर हो गया है क्या? आशी जी ने तो मंजूर कर लिया था। ये आशी जी कहां से आंट के बीच में, वो समीना का क्या हुआ? बड़ी दर्दनाक कहानी है बंधु, समीना जी का असली नाम आशी है और उसी सेठ की बेटी है जहां मैं काम करता हूं। एक अमीर बाप की बेटी ने गरीब आदमी से प्यार तो कर लिया, लेकिन लेकिन उसकी शादी कहीं और हो रही है बंधु। ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे दोस्त। बंधु ये दुनिया बड़ी जालिम है, यहाँ मोहब्बत और वफा की कोई कीमत नहीं। बस बस मैंने फैसला किया है। क्या फैसला किया तूने? यार वाला वक्त बताएगा बंधु, शाबू शाबू वही करेगा जो जो आज तक आशी करता है। शाबू मेरी बात तो सुन, शाबू शाबू बंधु यार मेरी शेर तो बना दे, मैंने कचहरी जाना फैसला सुनने। कचहरी जाकर क्या फैसला सुनोगे चाचा, यहाँ तो मेरे प्यार का फैसला ही गलत हो गया। देखिए क्या हो गया शाबू को, क्या होगा शाबू? तीन
जहर खा लिया। नहीं हो सकता। बद्दू, किसी डॉक्टर हकीम को लेकर आ जा। बात डॉक्टर या हकीम की नहीं, अस्पताल की बन गई है माँ जी। मेरी माने तो इसे अस्पताल ले चलते हैं। सामने हार गई आशी जी, लेकिन लेकिन मैं नहीं हारा आशी जी। या अल्लाह, मेरे बेटे की खैर हो। बंधु, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना। माँ जी, आप भी दुआ कीजिए, अल्लाह मियाँ माँ की दुआ जरूर कबूल करता है। हाँ बेटे, मेरा तो रुआ रुआ दुआ कर रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? बचने की सिर्फ एक ही सूरत है। कहिए डॉक्टर साहब। आपका बेटा किसी अशनामी लड़की से मोहब्बत करता है। किसी लड़की से मोहब्बत करता है? कौन है वो लड़की? मुझे तो कुछ नहीं पता डॉक्टर साहब। बंधु, तू बता, तू तो उसका दोस्त है, शायद तुझसे कोई ऐसी बात बताई हो, बताना। बोलना, बोलता क्यों नहीं? आशी उस सेठ की बेटी है मांझी, जिसके यहाँ चाबू मुलाजमत करता है। सेठ की बेटी? हाँ मांझी, और आज ही उस लड़की की शादी है। क्या? मेरा बेटा मर रहा है और उसकी शादी है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर सेठ से खुद बात करूंगी। सेठ साहब, मेरी बात सुनिए। सेठ साहब, अभी आपसे बात करता हूँ। बच्ची का निकाह हो जाए? नहीं सेठ साहब, निकाह से पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। खुदा के लिए अपने मेरे घर को तबाही से बचा लीजिए। ये क्या फरमा रहे हैं आप? मौली साहब, जरा निकाह रोकिए। आइए। मैं जाने, क्या बात हो गई? बेचारी बहुत परेशान रहा। और आपसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आई हूँ। मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि आपकी बेटी मेरे बेटे शहाबुद्दीन से मोहब्बत करती है। सेठ साहब, आपकी बेटी की शादी की खबर सुनकर मेरे बेटे ने खुदकुशी की कोशिश की है। वह अस्पताल में मौत और जिंदगी की कशमकश में मुब्तला है। खुदा के लिए, खुदा के लिए शादी को रोक दीजिए, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। सेठ साहब, झूठ बोल रही हैं आप, गलत कह रही हैं। मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसी बेबुनियाद बातें नहीं सुन सकता। ठीक आ रहे हैं सेठ साहब, दौलत में अपनी औलाद की गलतियों पर इसी तरह पर्दा डाल लिया करते। खुदारा, जरा इतना तो सोचिए, आपकी बेटी को क्या हक पहुंचता है कि मेरे बेटे के साथ झूठी मोहब्बत का खेल रचा है और अब किसी मीरजादे के साथ चुपचाप शादी के लिए रजामंद हो जाए। उसे किसी और का बन जाने का कोई हक नहीं पहुंचता। मोहतरमा, आप भरी महफिल में मेरी इज्जत उछालने की कोशिश कर रही हैं। ये खातून ठीक कह रही है सेठ साहब।
आपकी बेटी को एक गरीब औरत के बेटे की जिंदगी को बर्बाद करने का कोई हक नहीं पहुंचता। मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकता जो किसी और लड़के से मोहब्बत करती हो। गलत हो गया आशी, बारात वापस लौटी। जनाजा निकाल रहे हैं। आज तो बिल्कुल बेकसूर है। लड़की, ये सब सच है या झूठ? अब आशी की शादी उसी कल्लाश लड़के से होगी, ये हमारा आखिरी फैसला है। आशी बोलो, आप चुप क्यों हो? आग फड़की है तो अब आग चलने के नजारे देखिए मम्मी। मैं अपने इंतकाम की आग में सुल्लू के पट्टे को जला डालूंगी। मैं तो होश भी आ गई और उसके असली नाम का भी पता चल गया और वो अभी तक नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी खुशी जाया हो जाए? अरे तू नहीं जानता, तूने उनके घर में बर्बादियां कर दी हैं, बर्बादियां। अच्छा, फिर वो हमारी आबादियों के लिए कब आएंगी? जी, मैंने तुमसे कहा था ना बंदू, कच्चे धागे से बंदी आएंगी सरकार मेरी। आइए आइए आशी जी, सच मानिए, जान की बाजी लगाकर आपको बुलाया है। जान की बाजी क्यों लगाई? पता नहीं चला जी आपको? हम आपसे मोहब्बत करते हैं जी, और आपने भी तो कहा था जी। मैंने जो कुछ कहा था बकवास की थी जी। जी अब मैं क्या अर्ज करूं, खुद ही कह लीजिए, मैं तो आपकी शान में गुस्ताखी कर ही नहीं सकता जी। गुस्ताखियों की बारी तो अब हमारी है। तो फिर गुस्ताखी कर लीजिए, लेकिन जरा जल्दी। मत घबराओ, वो कुछ होगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अभी तो इस जाहिलाना मोहब्बत का आगाज हुआ है। आगाज तो अस्पताल से हुआ है जी, अंजाम आप बता दीजिए। वैसे लोग कहते हैं प्यार का अंजाम शादी है जी। तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? ठीक कहा तुमने, तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हारी मेरी शादी जल्द हो जाए। शादी होने वाली है, शादी। बंधु लिस्ट तो बनाओ अपने बरातियों की, ताकि सारे मोहल्ले वालों को पता लगे अपनी शान शौकत का। मिस्टर शहाबुद्दीन शाबू उन जख्मी, किन किन को साथ लेके जाओगे बारात में? सारा मोहल्ला, अपने दफ्तर वाले, परवाना साइकिल वाला, वो काला पान वाला, ये लथुन अखबार वाला, अपने बराती ठीक है ना? अबे उल्लू की तुम फाख्ता, कितने आदमियों की बारात ले जाने का किराया होगा तेरे पास? क्या मतलब? 300 सवारियों के लिए तो 2-3 ओमनी बसें चाहिए। अच्छा, तो यूं करते हैं बुद्धु से, 300 साइकिल ले लेते हैं किराए पर। अबे बारात साइकिलों पे जाएगी? क्यों, इसमें एनर्जी क्या है? तजर्बा ही सही। तुम्हारा तो दिमाग चल गया, इतने बड़े सेठ की बेटी की बारात साइकिलों पे। अभी अभी आज की शान शौकत बढ़ाने के प्रोग्राम बन रहे थे, कहिए तो आपके प्रोग्राम भी संभाल लूं। शुक्रिया बेटे, तुम्हारी वालदा घर पे तशरीफ रखती हैं? जी हाँ, आइए आइए, तशरीफ लाइए आइए। तुम यहीं ठहरो बेटे, हमने तुम्हारी वालदा से अकेले में कुछ बातें करनी है। जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। वैसे अर्ज़ खिदमत है, हम अपनी शादी पर सेहरा खुद पढ़ेंगे। शादी तो होने दो बेटे, सेहरा भी पढ़ लेना जी। अभी वो गर्म हवा, जरा बात तो सुनो।
ये सेठ साहब भी हमारे बारे में बातें पूछने तो नहीं आए? शायद हक महल का फैसला करना होगा। अरे हक महल तुम शरा के मुताबिक बांधेंगे 32.5 रुपए, आप जाने फसूल खर्ची नहीं करेंगे। बेहतर और कोई फैसला नहीं था बहन। मैं आपके शोहर की खिदमत का आज तक एहसान मंद हूँ, लेकिन आपसे कहना जरूरी समझता हूँ कि आपका बेटा कुछ जरूरत से ज्यादा ही सीधा वाक़ हुआ है और मेरी बेटी बगैर जरूरत के कुछ ज्यादा ही तल्ख मिजाज है, इसलिए आपको दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो ये कि शादी बहुत ही सीधे साधे तरीके से होगी, और दूसरे ये कि आपका बेटा घर दामाद रहेगा। मैं क्या अर्ज कर सकती हूँ सेठ साहब, मेरी तो जिंदगी भर की कमाई, कुल कायनात एक बेटा ही है, उसकी खुशी के लिए मुझे हर बात मानना पड़ेगी। आपके बेटे को घर दामाद रखने की एक वजह यह भी है कि हम अपने हालात के तहत उसे ट्रेनिंग दे सकेंगे। इसका ये मतलब ना ले लीजिएगा कि हमने कोई घर दामाद ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है, बल्कि शादी के बाद आपस के खेल कूद में क्राकरी टूटने का काफी खर्चा आएगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। हाँ, हालात ठीक होने पर आपकी बहू आपके घर आ जाएगी और आपका बेटा भी आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है सेठ साहब, आपने जो फैसला किया है मुझे मंजूर है, अल्लाह अंजाम बखैर करे। बहुत बेहतर है, तो फिर ये रिक्शा और टैक्सियों की हड़ताल खत्म हो जाए तो 2 दिन के बाद फिर आप बारात लेकर आ जाइए। खुदा हाफिज़। वालों को बता देना कि हमारी शादी पर कितने केले, कितनी मिठाइयां, कितनी बेपर्दा औरतें थी। हाँ यार, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। काश ये घर दामादी वाला किस्सा ना होता। अबे क्या वक्त है उल्लू, तू तो खुशकिस्मत है घर दामाद बन के। अबे बंधु, घर भी इनका, लड़की भी इनकी, अपना क्या गया, तेरे तो ऐश हो गए। सेठ साहब, आप मुझे इजाजत दीजिए, निकाह हो चुका है, अब मैं चलती हूँ। अरे दुल्हन से नहीं मिलिएगा, कम से कम उसके सर पे हाथ तो फेरती जाइए। मैं अपनी गरीब सी चौखट पर उसकी मुंतजिर रहूंगी जब वो ससुराल आएगी। अभी तो मेरा बेटा, आपका घर दामाद आपके हवाले है। खुदा हाफिज। ये क्या कसब कर रही हो, हमें अकेला छोड़कर जा रही हो? हम अकेले यहाँ पे क्या करेंगे? आज तो तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील हुई, खुदा वो दिन भी जरूर लाएगा जब हमारी आरज़ू पूरी होगी। चलो बिंदु। चलो अबे बिंदु, ठहर जा, अपना दिल टप टप आ रहा है। अबे पागल हो गया क्या, इस मामले में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। अच्छा खाने तो लो। अबे बात कर दी, अभी तो पसीने आ गए। अभी ठीक कह रहा हूँ, ऐसा ही होता है। अच्छा अच्छा, तू जा, कल मोहल्ले में आके सब कुछ बताऊंगा। भूलना जाना। नहीं खुदा, इस परेशानी का खुदा हाफिज।
मैंने कहा जी आधा घंटे जी। दरवाजा क्यों बंद किया है? ए जी जी बस वो अपना बुद्धू ना जी, उसने कुछ गलत इरादे किए जी। क्या बकते हो बुंदू के बच्चे, दरवाजा खोलो। जी बहुत देर जी, अभी खोल देता हूँ। आपकी नाराजगी देखकर जी हमारे दिल को कुछ होने लगता है। अभी दरवाजा खोल देता हूँ जी। जी फरमाइए अब क्या हुक्म है, अब मैं क्या करूँ जी? अब दीवारों से टकरे मारो। जी चले, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो हम ये भी पूरी कर देते हैं जी। लेकिन आपने तो ये बताया नहीं कि हमें कितनी टकरे मारनी है। जिंदगी भर टकरे मारो, मेरा दिमाग मत चाटो और कमरे से बाहर चले जाओ, समझे? समझ गया जी, आज की रात हम अकेले सोएंगे जी। चले जाओ। जी ऐसे ही मुंह से निकल गया था जी, वो बंधु है ना बड़ा गलत आदमी है जी। वैसे अगर आपका मूड ठीक हो जी तो शेरे के कुछ बन सुनाऊं। शेरे के बच्चे गेट आउट। वैसे वैसे यही मुनासिब था जी। खुशी के मौके पर जरा पैर फिसल गया था। हम भी अपनी हट के बड़े पक्के हैं, फैसला किया था जब तक अपनी शादी पर खुद का लिखा हुआ फेरा नहीं पड़ेंगे। चैन से क्या समझे कमर, नोच लूं उसका चेहरा। हाँ 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 हाँ, अरे अपनी शादी का ये सेहरा आज हम खुद गाएंगे। अपनी शादी का ये सेहरा आज हम खुद गाएंगे। अपनी दुल्हन के लिए हम शायरी फरमाएंगे। अपनी शादी का ये सेहरा आज हम खुद गाएंगे। कर हुआ आंगन ये टेढ़ा, कर हुआ आंगन ये टेढ़ा, छत पे चढ़ के गाएंगे। अपनी शादी का ये सेहरा आज हम खुद गाएंगे। खपा वो जाने वफा है,
ये भी उसकी खास अदा है, बात नहीं करती तो क्या है, आज से दुल्हन हमारी उसके हम कहलाएंगे, अपनी शादी का ये सेहरा आज हम खुद गाएंगे, अपनी दुल्हन के लिए हम शायरी फरमाएंगे, अपनी शादी का ये सेहरा आज हम खुद गाएंगे, अपनी शादी का ये सेहरा आज हम खुद गाएंगे। मेरा नाम शाबुद्दीन शाबू, अपने माथे पर लगी तुम्हें तो पता नहीं कर देगा, तुम देखो तो सही होता क्या है। क्या कराची फोन किया है? हाँ। हेलो। हेलो जावेद जी, मैं जावेद बोल रहा हूँ। मैं आशी बोल रही हूँ। शादी मुबारक हो। पसंद की शादी के बाद हमें किस सिलसिले में फोन किया जा रहा है? ऐसा ट्रेजेडी हुई है जावेद, हालात ने कुछ ऐसा रुख इख्तियार किया कि मैं तुमसे बात भी ना कर सकी। लेकिन अब तो कहने सुनने का वक्त भी गुजर चुका है। तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम आओ तो सही। आपका हुक्म हो तो आ जाता हूँ। अच्छा तो फिर आ रहे हो ना, कल रात ब्राइड क्लब में मुलाकात होगी। ओके। क्या गजब कर रही हो आशी? तुम चुप रहो समीना, थकान इंसान को ताकत देता है। मैंने जो सोचा है वो खोकर रहेगा। शहाबुद्दीन, हमने तुम्हारे मर्तबे और अपने रिश्ते को देखते हुए तुम्हें इस फर्म का जनरल मैनेजर बना दिया है। जी जनरल मैनेजर, ये क्या गजब कर रहे हैं सेठ साहब, अभी हम इस काबिल नहीं, फिलहाल इंचार्ज वगैरह बना दे, मुझे गरीब पर इतनी अनायतें। तुम इतने मासूम हो शहाबुद्दीन कि तुम पर इनायतों के पहाड़ तोड़े जा सकते हैं। अच्छा जी, बेशक हमारी कमर टूट जाए, मौत जाए, ऐसी नौबत नहीं आएगी बेटे। अब तुम अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो, अपनी जरूरत के मुताबिक कैशियर से रकम ले सकते हो, फर्म की गाड़ी तुम्हारे डिस्पोजल पे रहेगी। बस इतना ख्याल रखना कि आशी बेटी की किसी ज्यादती का जवाब देने से पहले एक मरतबा हमारी शक्ल आंखों के सामने जरूर ले आना। ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। क्या मतलब? अब क्या आज करे जी, सूरत तो हर वक्त आशी जी की रहेगी आंखों के सामने, और आपकी आंखों के सामने आपकी बेगम की सूरत रहनी चाहिए जी। कुछ गौर फरमाया आपने? हमने तो बहुत गौर फरमाया बेटे, अब हमारी दुआ है अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान कर दे। यस सर। मिस रेटा, जनरल मैनेजर साहब को इनके कमरे में ले जाओ, और देखो आज से तुम हमारी नहीं इनकी सेक्रेटरी हो। ऑल राइट सर। कम ऑन सर। सर ये आपका ऑफिस है सर। ये सारे का सारा हमारा ऑफिस है जी। यस सर। घूमो कि हमारा दिमाग घूमने लग गया जी। क्यों से गिर रही थी कुर्सी? घूम तो नहीं रही थी सर। तो फिर तुम घूम जाओ फॉरन, जनरल मैनेजर का ऑर्डर है जी। Very good, very good, very good.
जल्दी लाओ जी। कुछ अजीब से रंग ढंग हो गए हैं शाहबू जी अब तो। इंतजार कराया है। प्लेन लेट हो गया था, एयरपोर्ट से सीधा चला रहा हूँ। अच्छा जल्दी बताओ वो कौन सी बात है। एक बात हो तो बताओ, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। मिस किया? ओ आशी, तुम्हें क्या मालूम मैं तुम्हारे बगैर कितनी उदास और बेचैन थी। मेरे करीब मत बैठी थी, अगर आशी जी ने देख लिया तो वो मुझे जान से मार देंगी, बहुत बुरा मनाएंगी जी। अरे बुरा क्यों मनाएगी, वो देखो तुम्हारी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से मसरूफ है, गुफ्तगू है। अच्छा जी, हैरत है तुमने अपनी बीवी को इतनी आजादी दे रखी है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बुरी बात है। इसका मतलब है उस लड़के से तुम्हें मोहब्बत नहीं थी और उसकी माँ ने हर बात गलत कही थी जावेद। ओ माय गॉड, हम दोनों पर कितना बड़ा जुल्म हुआ है आशी। जी इस लड़की को इतराज है जी कि मेरी मौजूदगी में किसी गैर मर्द से बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे ये हाथ पकड़े गपशप करना कुछ आवारगी सी लगती है जी। क्या बकते हो, अपनी औकात में रहकर बात करो, जिस जगह तुम्हें छोड़कर आई हूँ वहीं बैठो। ठीक है जी, ठीक है। वो लड़की मैं जज्बात को भड़का रही है जी, हम दोनों में गलत फहमी डालना चाहती है, बड़ी खतरनाक लगती है, लेकिन आप पोजीशन में सामने बिल्कुल क्लियर है जी। मेरा मतलब है कि मुझे यकीन है कि आप मुझसे कर सकती है जी। तो ये हैं आपके हस्बैंड? हस्बैंड नहीं, चपरासी को हो जावे, कहाँ वो और कहाँ तुम, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं। ओ थैंक यू आशी। आओ डांस करें जावे, मैं तुम्हारी वापसी को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ।
लगाओ सभी, ठुमका लगाओ सभी, ताली बजाओ सभी, हर गम को ठुकरा के नाचो नाचो रे, दिन तक दिनक दिन नाचो, ठुमका लगाओ सभी, ताली बजाओ सभी, हर गम को ठुकरा के नाचो। मेरे पीछे पीछे आने के बजाय जाकर खाना लगवाओ। जी जी, यानी कि खाना मैं लगवाऊं और ये पर्स खान साहब पकड़े? जाओ, जो मैं कहती हूँ वही करो। जी जी। आशी, हम तुम्हारी ये खुद पसंदी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये बेराह रवि हमें बिल्कुल पसंद नहीं। जी हाँ जी हाँ, मैं भी यही अर्ज करना चाहता था सेठ जी, बड़ी बर्दाश्त का क्लब में बैठा रहा हूँ, यकीन जानिए बहुत झगड़ा हो चला था, मैं तो गुस्से में काबू हो चला था सेठ जी। मैं ये हक बिल्कुल नहीं पहुंचता कि इस बेबाकाना अंदाज में जावेद को रात के वक्त घर पर लेकर आओ। आपको मेरे यहाँ आने पर एतराज है अंकल? एतराज नहीं, बल्कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि आइंदा तुम हमारी इज्जत उछालने की कोशिश न करना, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो दूसरों की इज्जत उछालने वालों का अंजाम होता है। आप कौन होते हैं मेरी बेटी को इस तरह डांट डपट करने वाले? आप कौन होती हैं मेरी इज्जत के मामले में बोलने वाली? बेगम, इस लड़के से कहिए ये इस वक्त यहाँ से चला जाए। तशरीफ ले जाइए, यहाँ कत्ल वगैरह भी हो सकते हैं, ससुर जी अपनी जमानत करवा ही लेंगे। नहीं बेटे, रात के वक्त अदालतें बंद होती हैं। ओ, मेरी जिल्लत की वजह सिर्फ तुम आशी, तुम। आपने इस मस्करे की तरफदारी करके मेरी तोहीन की है डैडी, और मैं तुम दोनों की मिली भगत कर इलाज कर लूंगी। मुलाजा फरमाया आपने, ये सब लोग अब मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं, हालांकि मैं इंतहाई शरीफ आदमी हूँ जी। इंसान को इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए शहाबुद्दीन कि लोग उसे बेवकूफ समझने लगे। जी क्या फरमाया आपने, यानी कि आप हमें बदमाशी पे उकसा रहे हैं? ओ खुदाया, अरे भाई तुम शौहर बनकर बीवी को कंट्रोल तो कर सकते हो। वो हमारे कंट्रोल में आती नहीं, बताइए हम क्या करें जी। भाई तुम अपना हुलिया बदलने की कोशिश करो, ये तुम्हारा अंदाज, ये लिबास, कुछ तो शोहराना होना चाहिए। ये हुई ना बात, अब कल ही हमारा हुलिया देखिएगा, आपने हमारी रहनुमाई की है ना, अब कल से हम खामिद बनने वाले रास्ते पर चलेंगे। अबे तेरी खोपड़ी तो नहीं घूम गई, कोट उल्टा पहन रहा है, अकल दाढ़ हिला दी मेरी। अबे ऐसा क्यों खुदकुशी कर रहा है? अबे जिंदगी में पहली दफा गैलिस के बगैर पतलून पहनी है, लगता है आज हम नीचे से नंगे हो जाएंगे। अरे साहब साइड के बकल बंद कर लीजिए, यानी कि हमारी अतरियां जख्मी हो जाएं और आपकी फैशन में कोई फर्क ना आए। अबे शबू सुन, शुरू से ही ऐसा बाबू बन जाता तो ये नौबत तो ना आती। अभी क्या निकली है? हाँ ये देखना के लिए क्या क्या निकलता है। ये बताओ बेगम साहिबा किधर है? अपने कमरे में है जी। और सुनो मूड कैसा था उनका, किसी को डर तो नहीं रही थी? नहीं नहीं, काफी कुछ पास नजर हो रही थी। और मुझे लिबास में देखकर बहुत खुश हो जाएगी। नजारा ही बड़ा जज्बाती है, हलचल मच गई दिल में हलचल।
नहीं देखा, इसका मतलब है सो रही है आशी जी। मौके से फायदा उठा ले शाहबुद्दीन, धुंधू के मशवरे पर अमल हो जाए, इससे बेहतर चांस नहीं मिलेगा। दिल के पूरे अरमान निकाल ले शाबू। है जी, कुछ नहीं। बदतमीज, तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझे सीने से लगाओ? जी, लेकिन मैंने आपकी इज्जत पे ताकत नहीं डाला। तो फिर यहाँ क्या कर रहे थे? क्यों आए हो मेरे पास? जी, वो आपके गंदे कपड़े जमा करने आया था। तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मेरे धोबी बन सको। निकल जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ, कह जाओ, निकल जाओ। आशी जी ने मुझे मारा है जी, आपके चैनल मैनेजर को मारा जी। मार खा के रोने के बजाय तुमने उसे मार मार कर बेहोश क्यों नहीं कर दिया शहाबुद्दीन? ना जाने तुम्हें कब अकल आएगी। यानी कि आप हमें तशद्दुद पे उकसा रहे हैं? आप बहुत जालिम बाप हैं जी। हमसे हमसे इतना जुल्म नहीं हो सकता। हम आजी जी को कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। यार शाहबुद्दीन, बहुत ज्यादती हुई है तेरे साथ। ससुराल वालों की मर्जी से लिबास तो बदल लिया बेटे, कुछ अपना जहन और मिजाज भी बदल लिया होता। सब ठीक हो जाएगा अम्मा जी। फिलहाल तो मुझे फिक्र खाई जा रही है कि हम जुल्म करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। न जाने हम बुद्धिल क्यों बनते जा रहे हैं। अरे बुद्धिल नहीं, जोरू का गुलाम कहो, तंग मुरीद कहो। अबे क्या बकवास करता है बुद्धू, यानी कि माजी जी के मुरीद है? नहीं नहीं, ये अलग बात है कि वो वक्ती तौर पर हमारी शहर बनी बैठी है और हम उनकी बीवी। क्यों अम्मा जी, हम ठीक कह रहे हैं ना? मानसीबू जली से क्या पूछता है, वो तो तेरी बातें सुन सुन के खून के आंसू रोती रहती है। अच्छा अम्मा जी, अब मैं चलता हूँ, आजी जी के बाहर जाने का वक्त हो गया, खुदा हाफिज। तुम्हारे उस उल्लू नुमा खामिन की दिलजोई के लिए तुम्हारे डैडी ने मेरी इंसल्ट की। आई एम सॉरी जावेद, मैंने तो तुम्हारे सामने डैडी से उलझने की कोशिश की थी। बेकार थी वो कोशिश, मुझे घर से निकाल दिया गया और वो तुम्हारे डैडी के सामने मुझे धमकी दे रहा था। उसकी धमकी से क्या होगा, मैं तो तुम्हारी हूँ ना। मेरा विकार मजरूह हुआ है आशी, मैं उस हादसे को भूल नहीं सकता। मैंने जो कुछ सोचा है अगर वो हो जाए तो शायद मैं नॉर्मल हो जाऊँ। क्या सोचा है? कल शाम मैं अपने यहाँ एक पार्टी दे रहा हूँ, तुम उसे अपने साथ लेकर तो आओ, फिर देखो तो क्या होता है। बोलो मंजूर? मंजूर है जावेद, मैं तो खुद तुम्हारे इंसल्ट की वजह से बहुत अपसेट थी, कल उसे डेफिनेटली साथ लेकर आऊंगी। थैंक यू आशी। आपने हमें हंस पर लगाने की इजाजत देकर एहसान किया है आशी जी, मगर ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक पार्टी में। किसके यहाँ? जावेद के घर पर। वो जावेद जिसके आने पर शेर साहब को इतराज था और तुम्हें घूर घूर के देखता था? हाँ। तो कोई आप हमारी कदम पे चूड़ियां चलवाना चाहती हैं खुशबू लगवा कर? बात तो वही हुई ना जी, कुर्बानी के बकरे को कुर्बानी से पहले मेहंदी लगाई जाती है। क्या फजूल बकवास करते हो जी। देखिए, आज तक हमने आपके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो गोया तुम्हारे पुरसे निकल रहे हैं? जी नहीं, अपने तो सब पुरसे फिट कर दिया आपने, अपना तो कोई पुरसा बाहर निकल नहीं सकता। अगर आप मुनासिब समझे तो बड़े मियाँ को साथ ले चले। फजूल बातें मत करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, और सुनो डैडी से कुछ मत कहना। है जी बेटर जी, चलिए जी।
कहाँ जा रहे हो? जी जी कहीं भी सेठ साहब, जरा बाग में जा रहे हैं, बाग में चहलकदमी के लिए। कोई ऐसी जगह नहीं जा रहे जहाँ आपको इतराज हो। चलिए आशी जी, कहीं कोई गलत बात मुझसे निकल जाए। आइए। कहीं कोई गलत बात मुंह से ना निकल जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की ये महफिल मिस्टर शाहबुद्दीन उर्फ आशी के शौहर की इज्जत अफजाई के लिए मखसूस है। पहले रक्स नगमा होगा और फिर मिस्टर शाहबुद्दीन की खातिर तवाजों के बाद एक अहम फैसला सुनिएगा। अरे मियां, कैसा फैसला हो रहा है हमारे मशवरे के बगैर? तुम्हें पता चल जाएगा। फिर भी जरा अंदाजे से बता दीजिए आशी जी। अंदाजा इस बात से लगा लो, क्या तुम इस काबिल हो तुम्हें अपनी सहेलियों से मिला सकूं, उनके घर पार्टियों पे ले जा सकूं? यानी कि इसका मतलब है हम आपकी ठीक से खिदमत गुजारी नहीं कर सके? और ये शट अप, तुम तो नाम से चपरासी लगते हो। वैसे आशी जी, नाम तो ये एक बादशाह का भी था। मेरा ख्याल है आपने हिंदुस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। तारीख गवाह है कि इंसान ने हमेशा एहतजाज किया है जब भी उसके साथ ज्यादती हो। आज मिसेस आशी शहाबुद्दीन अपने खामिन के सामने रक्स करेंगी और एहतजाजन अपने जज्बात का इजहार करेंगी।
भाई चाहते हो तो सुनो, तुम आशी को तलाक दे दो। तो गया, हम अपने हाथों अपना जिगर काटते, ये नहीं हो सकता जी। हम आशी जी को तलाक नहीं दे सकते, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते जी। नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल नहीं। हमारा इम्तिहान ना लीजिए आशी जी। तुम्हें छोड़ना होगा। नहीं, इस काबिल भी नहीं है कि बेहोशी के आलम में आशी के घर छोड़ा जाए। ले जाओ इसको। शाबू, मेरे बच्चे, शाबू, मेरे बच्चे, ये हाल किसने बनाया, किस जाली ने बनाया, बोलो बंदो। मैं क्या बताऊं माँ जी, तुम बताओ कहाँ चलाया उसे? हम तो मुलाजिम हैं जी, शेख के घर पार्टी हुई, इनका किसी के साथ झगड़ा हो गया था, हमें ऑर्डर मिला कि इन्हें घर छोड़ा। क्या उस पार्टी में इसकी बीवी भी थी? पता नहीं, शायद हो। क्या उन बड़े घरों में पार्टियां इसलिए मनाई जाती हैं कि गरीबों को मार मार कर बेहोश कर दिया जाए? जाओ निकल जाओ गरीबों के मोहल्ले से, वरना इस मोहल्ले के लोग मार मार कर तुम्हारा कीमा बनाए। निकल जाओ, जाओ, जाओ। फौरन किसी डॉक्टर या हकीम को बुला लो। माँ जी, ये तो रोजाना कोई ना कोई वारदात करता है, मेरी माने तो किसी डॉक्टर को महीने पे लगा ले। बस बंद कर, मेरे बच्चे का ये हाल है, तुझे मजाक कुछ जाता है कि नहीं? जाता हूँ, संभालिए अपने बेटे को। शहाबुद्दीन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? तुम दोनों साथ गए थे। साथ जाने वाले कभी साथ नहीं लौटा करते डैडी, वो मुझे छोड़कर अपने घर चला गया था। घर चला गया था? आखिर बता ना, झगड़ा किस बात पर हुआ था? कोई खास बात नहीं है माँ जी, बस वैसे ही हमसे बर्दाश्त नहीं हो सका। आप तो जानती हैं कि हम आशी जी से कितना प्यार करते हैं। वो उनके दोस्त कहते हैं कि हम उनको तलाक दे दें। तो उसने तलाक हासिल करने के लिए तुझे अपने दोस्तों से पिटवाया है ना? नहीं नहीं, ये बात नहीं अम्मा जी। तो चुप है लड़के, मैं खूब समझती हूँ। उन लोगों ने तुझे तेरी बीवी के सामने पीटा था ना? हाँ, लेकिन उनकी मर्जी नहीं थी जी। आशी जी बिल्कुल बेकसूर है। झूठ बोल रहा है शाबू। आज मैं उस अमीर साथी से बात करके ही रहूंगी। अम्मा जी, एक साहब बुलाइए अपनी लाडली उस नक्सली बेटी को। आज मैं उससे अपने बेटे के जिस्म पर लगे एक एक जख्म का हिसाब लूंगी। आहिस्ता बोलो बहन, जरा हौसले से बात करो। आज तक आप लोगों की हर ज्यादती को हौसले से बर्दाश्त किया है शेर साहब,
आवारा तौर तरीके आप लोगों की बहू बेटियों को आते होंगे। शरीफ लोगों की बहू बेटियां दोस्तों से खामिन को मार नहीं पिटवाती, खामिन से तलाक का मुतालबा नहीं करती। क्या रस्म कर रही हो माँ? तुम चुप रहो शहाबुद्दीन, आज हमारा तौर गुर्बत का टकराव है, आज जिल्लत और इज्जत का मुकाबला है। बुलाइयो मीरजादी को जो एक गरीब खानदान की बहू बनकर कर्बों में नाचती है, दोस्तों से मिलती है, आखिर वैसे कपड़ों क्यों करती है? तुम्हारी चीखें सुनकर अगर मेरे माँ बाप चुप है तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें जवाब नहीं दिया जा सकता। पूछो क्या पूछना चाहती हो? यही कि तुझे किसने हक दिया मेरे बेटे को अपने दोस्तों से पिटवाए? मैं पिटवाने पर आई तो तुझे भी पिटवा दूंगी बुढ़िया। हम अपनी जिल्लत बर्दाश्त कर सकते हैं आशीष, लेकिन अपनी माँ की नहीं। मांगे माफी से नहीं, मांगे माफी। गुड, वेरी गुड, आज तुमने हमारी बरसों पुरानी आरजू पूरी की है शहाबुद्दीन। चुप रहिए डैडी, मैं इस सिल्लत का बदला शुरू लूंगी। तुम मेरे बेटे के खिलाफ जो आग उगल रही हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी अम्मा को कुछ मत कहिएगा वरना जाने क्या हो जाएगा। चलिए अम्मा अपने घर वापिस चले। आप इतना सुन ले बेगम साहिबा, मैं किसी सूरत में आशी को तलाक नहीं दूंगा और अब उसकी कोई ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी, समझी? अरे मैंने कहा ये सब कुछ क्या हो रहा है? अरे मैंने कहा ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा तो मशवरा ये है आशी कि तलाक के लिए अदालत में दावा दायर कर दो, पुलिस में केस रजिस्टर करवा दो कि उसने तुम्हें जलील किया है, तुम्हें मारा है। बस यही ठीक रहेगा, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। बीवी शोहर के साथ ना रहना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। और फिर कहा तुम जैसी खूबसूरत बीवी और कहा वो खाविन, ये सेपरेशन हर सूरत में होनी चाहिए आशी, हर कीमत पर। डन डन। हाथ पैर तुमने चलाए और जहनी सुकून हमें पहुंचा, यही तरीका है तुम्हारी जैसी बिगड़ी हुई और हमारी जैसी वजनी बीवियों को सुधारने का। अब देखिए सुसर अब्बा जी, आगे आगे होता है क्या? हमने फैसला किया है? हमें यकीन नहीं आता कि तुम अपने फैसले पे कायम रहो। तो फिर आप ही बताइए सुसर अब्बा जी कि हम क्या करें? मार पिटाई का मसला तो हमने कर दिया खत्म, अब क्या हम कोई कत्ल वगैरह कर दें? अल्लाह ना करे। अगर हमारी बेगम से हमारे मजीद ताल्लुकात खराब हुए तो छोटे पीसेस हम तुम्हीं से करवाएंगे बेटे। खुदा ना करे सेठ साहब, कैसी बातें करते हैं? तो फिर कोई मशवरा दीजिए अम्मा जी, खाली ठंडी आहें भरने से कुछ ना होगा। बाखुदा तो हमारे हाथों को चलने की आदत पड़ चुकी है, वारदात करने को दिल चाहता है अम्मा जी। अरे वारदाती बेटे, सीधी सी बात यह है कि बीवी को जाकर घर ले आ। यानी कि छोटे से घर में? हाँ तो क्या हुआ, शोहर चाहे झोपड़ी में रहता हो तो बादशाह की बेटी को भी वहीं रहना पड़ता है। अच्छा, तो फिर अभी जाके मैं इसको चुटिया से पकड़ कर लाता हूँ। विघात में आ जाएगी बेटे, इस वक्त वो घर पर नहीं होगी। वो तो बड़े तबाहकुन अंदाज में अपनी माँ के मशवरे पर अमल करती हुई जावेद के यहाँ गई होगी। तो फिर चलिए हुआ की तरफ चलते हैं ससुर अब्बा जी, आप भी जरा मुलायजा फरमाइएगा शहाबुद्दीन शहाबूर जख्मी की तेजी और तर्रारियाँ। शाबाश बेटे, आइए चलिए आइए आइए। यहाँ क्यों लाए हो? हमें तो वकील के पास जाना था तलाक के नोटिस के लिए। ओ फिकर ना करो आशी, आओ कुछ सलाह मशवरा करते हैं। वैसे उस उल्लू के पट्टे से तलाक लेना कोई मुश्किल बात नहीं। अबे उन चक्के, बात मुश्किल से भी ज्यादा मुश्किल है। खबरदार जो तुमने जावेद के मुंह लगने की कोशिश की। इसके मुंह पर तो हमारे घूसे लगेंगे, आप देखिए तो आशी जी आपका इसका हशर क्या होता है। क्या बोलते हो, छोड़ दे आशी जी का हाथ वरना हाथ तोड़ दूंगा। बेगैरत दूसरे लोगों की बीवियों से इश्क करता है, कसम छोड़ दे आशी जी का हाथ। अगर हाथ ना छोड़ूं तो क्या कर लोगे? हाथ छोड़ाना खूब जानते हैं शहाबुद्दीन, कमबख्त तेरा कीमा बना दूंगा और कीमे के कबाब बनाकर दो दो पैसे में बेचूंगा, इसलिए कि तू तोड़ तक एक आदमी है दिलीप जी। आशी जी ए भाई, अरे मियाँ तुम कुछ ना बोलना,
ये हमारी आपस की पहल है। आप हट जाइए डैडी, मैं पुलिस को फोन करूंगी। बेटी, पुलिस भी उसी का साथ देगी, वो जो तुम्हारा शौहर है। और वैसे भी आजकल पुलिस गलत लड़कियों को गिरफ्तार करके उनका चालान कर देती है। इसका मतलब है ना? 100% गलत हो बेटी। रईसजादी पैदा होना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन अच्छी बीवी बनना बड़ा मुश्किल काम है। अब देखो तुम्हारी वजह से कितनी अच्छी आवाजें आ रही हैं घूसों और थप्पड़ों की। जा रही है, आपको तो हमारे साथ जाना है। आशी जी, हमारे साथ चले, ससुराल में आपकी इंतजारियां हो रही हैं। आपका मैट्री शो तो अम्मा जी के सामने होगा। ये आशी है कोई सब्जी तरकारी तो नहीं जिसे तू काटे डाल रहा है। आशी अब तुम्हारे ही साथ जाएगी। आशी की बाकी जिंदगी बोर्डिंग लॉजिंग तुम्हारे ही साथ रहेगी। ये चाकू दे दे बेटा। अच्छा चलो। अंग्रेजी में नहीं, उर्दू में मांगिए। नजरें ऊपर उठा के नहीं, नीचे करके, इनके सारी के साथ। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा जी। ऐसे इसे बावर्ची खाने का काम थोपिए और आज से ये हांडी रोटी सब कुछ पकाएगी, खिदमत करेगी आपकी और हमारी। अरे नहीं नहीं दुल्हन पे इतनी ज्यादती मत कर, ये घर आ गई है, यही क्या काम है? आपकी दुल्हन नरमी के काबिल नहीं है, इसे फौरन काम पे लगा दीजिए, कहीं ये ना हो कि मेरे बंद हाथ फिर खुल जाए। जाती हूँ जाती हूँ। चलिए अम्मा जी, मुझे काम पर लगा दीजिए। कभी घर का कामकाज किया है बेटी? बात गर्दन हिलाने से नहीं, हाथ हिलाने से बनेगी। इसके सामने आटा चावल दाल नमक मिर्च सब कुछ रख दीजिए। काम नहीं करेगी तो इसकी आंखों में मिर्ची डाल दूंगा। और जरा इसका हुलिया भी ठीक कीजिए। जाइए। यहां से थाने में जाके रिपोर्ट कर दी कि तुझे जबरदस्ती कैद में रखा हुआ है। सहन को ठीक रखिए आशी जी। शाबू जी। अम्मा क्या हुआ बेटे? आपकी दुल्हन भाग रही थी, मौके पर गिरफ्तार किया है। चलो लेट जाओ, लेटो।
बहादेवा शाहबुद्दीन साबू, बहादेवा शाहबुद्दीन साबू करके रहा एक लड़की को काबू, बहादेवा शाहबुद्दीन साबू चूल्हा जला रही है रोटी पका रही है, चूल्हा जला रही है रोटी पका रही है, कल तक जो फिरती थी होके बेकाबू, बहादेवा शाहबुद्दीन साबू, बहादेवा शाहबुद्दीन साबू। खिलाती थी जब तक मैं भोला भाला था, ये नखरे दिखलाती थी, मैं जितनी मिन्नत करता था इतना ही ये इतराती थी, अल्लाह का नाम लिया हाथों से काम लिया, ये जो अकड़ के चली बाहों से थाम लिया, कैसा चला एक थप्पड़ का जादू, बहादेवा शाहबुद्दीन साबू, बहादेवा शाहबुद्दीन साबू। में आशी जी तुमको बीबी बन के रहना होगा, इस घर में आशी जी तुमको बीबी बन के रहना होगा, हम जो कहे वो करना होगा, रोग हमारा सहना होगा, वरना पिटाई होगी मार कुटाई होगी, इतनी लगेंगी चोटें हफ्तों सिकाई होगी, दिल और ज़बां दोनों अब रखना काबू, बहादेवा शाहबुद्दीन साबू, बहादेवा शाहबुद्दीन साबू करके दहा एक लड़की को काबू, बहादेवा शाहबुद्दीन साबू, बहादेवा शाहबुद्दीन साबू। बेटी पे जुल्म हो रहा है और तुम हंस रहे हो, तुम बाप नहीं साफ हो साफ। मैं साफ बाप कुछ नहीं हूँ जनाब, आप शायद भूल रही हैं, मैं दरअसल आपका पहला शौहर हूँ, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने वाला हूँ। क्यों, मैंने क्या किया है? तुमने घर को बर्बाद कर दिया है, औलाद को बिगाड़ दिया है। जबान को लगाम दो मियां, वरना मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी। शौहर की बेइज्जती करोगी? हाँ। एक बार और कहूँ? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। एक बार और कह दीजिए। मैं तुम्हारी बेइज्जती। हल्का पड़ा है तो एक और लीजिए। मैके की तरफ कहाँ जा रही हो? तुमने गुलाम बन के अब इसी घर में रहना है। और ये सबक हमने शहाबुद्दीन से सीखा है और अब हम इसे भूलेंगे नहीं। हर रोज सुबह नाश्ते पे तुम्हें ये राशन मिलता रहेगा। अबे देखती क्या है? आ चोटे कर देंगा। कहाँ जा
जा रहा है बेटा, बड़ी तैयारी है तमाम के साथ। बस जरा क्लब जाकर आशी जी के आवारा रिश्तेदारों का पता करेंगे। वैसे भी आजकल जरा अपनी तबीयत में अयाशियां आ रही हैं। अयाशियां फजूल बातें ना किया कर। आप क्लब जाएंगे, वहां जाकर क्या करेंगे? बस जरा दिल बहलाएंगे आशी जी, और क्या करेंगे। वैसे भी आपकी पोजीशन घर में नौकरानियों वाली है। अरे भाई कोई तो हो जो हमारी दिलजोई करे। ये क्या कर रहा है यार? पी रहे थे हम तो यही समझे थे जी। अरे पीजा कमबख, जब तक तू ये वलायती टेंशन नहीं पिएगा ना, तुझे इस वलायती दुनिया की समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, बहुत जालिम हो, सारी बिस्की जाया कर दी। चलो मेरी जान जी, अभी तो बहुत सारे लोग जाया होंगे इन हाथों से जी। चलो गाय को हमसे शिकायत करना चाहते हैं, ये तुम नहीं हो क्या तक हो? अरे तुम्हारा तो नहीं चल गया। क्या बात है शहाबुद्दीन बेटे, कहीं रूह अफजा ज्यादा तो नहीं उंडेल लिया? बात क्या होनी है सेठ जी, मेरा दोस्त कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। वगना ये नहीं जानता कि आज मेरे हाथ से गोलियां चलेंगी। गोलियां बंदू जी मेरे सरदार, मेरी पिस्तौल निकालो बंदू। नहीं नहीं शाबू, गोली ना चलाना, गोली ना चलाना। क्या तरबियत दी है तुमने अपनी बेटी को मोटी का? पिस्तौल हटा कर बात करो, खुदा ना खासा गोली चल गई तो? गोली चलाऊंगा तो चलेगी ना, ऐसे कैसे चलेगी? बता क्या सिखाया है तूने अपनी बेटी को? पढ़ाया लिखा है मैंने अपनी बेटी को? मैंने तुझ पर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर औरत को बीवी ना बना सके। तुम्हारी बेटी सिर्फ जिंदा मार गर्ना कर सकती है, रोटी वोटी नहीं पका सकती। वो किसी खानसामा की बेटी है क्या? तुम्हारी बिटिया को हांडी पकाने क्यों नहीं आते? आ जाएगी बेटे, आ जाएगी, मैं खानसामा भेज दूंगी तुम्हारे घर। खानसामा नहीं, हमें तुम्हारी बेटी के हाथ की पक्की रोटी चाहिए। तो मैं उसे सिखा दूंगी। मैं उसे सिखा दूंगी, कब सिखा दूंगी? यही हफ्ते तो हफ्ते में। अभी चलते हैं डार्लिंग, जरा मैं नील गाय से निपट लूं। मुंदू यस साली जा, हमारा कमरा किस होटल में बुक है जी? ए नील गाय, ये तुम मुटर मुटर हमारी सहेली की तरफ क्या देख रही है? बचपन का जमाना याद आ गया है। मुंदू जी, आज रात हम अपनी फ्रेंड के साथ किस कमरे में रहेंगे? महाराज आपके लिए हर होटल में कमरा बुक है, आप जहाँ चाहे गुजार लें। चलो तुम नहीं जाने मेरी बच्ची किस जंगल में होगी और आप फिर तमाशा देखते रहे। अरे साहब ये बहुत ही कोई शरारती लड़का है, कभी आपको गाय कह रहा है, कभी नील गाय कह रहा है। मेरे ख्याल से ये मिल्क शेक मांगने आया था। और आप खड़े मुंह तकते रहे, बोलो बोलो। देखिए देखिए हाथ ना उठाइएगा। हाथ कौन उठा रहा है अब की से? तो मैं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात मान लीजिए बहन, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात वो हमारे घर अपने किसी दोस्त के साथ आया था, शराब के नशे में चूर था। ये सब कुछ तू ही करती रही आशी, उसे भी इतनी तकलीफ होती होगी।
अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने दूंगी। शोहर उस वक्त करता है जब उसे घर में बीवी का हस्ता हो जाए और मोहब्बत भरा दिल न मिले। तुमने अपने फर्ज को जुल्म समझकर बर्दाश्त तो कर लिया है बेटी, लेकिन जिस मोहब्बत और प्यार की शोहर को जरूरत होती है, क्या तुमने उसे दिया है? अपने दिल से पूछो बेटी और फैसला करो, क्या तुम बिगड़े हुए शहाबुद्दीन को ठीक कर सकती हो कि नहीं? की तरह
तरह गलियों से मिलो, लम्हों की तरह साथी बत दो, जो एक हो के रहता है वो दीवाना कहलाता है, भंवरों की तरह गलियों से मिलो। बंद करो ये बकवास। मेरे शौहर के साथ डांस करती हो तो हटो इसे। मेरी दोस्त की इंसल्ट करने का आपको क्या हक है आशी जी? आपकी जात के साथ मंसूब हर हक मेरा है शाह। मैं आपको इन आवारा औरतों के साथ दोस्ती नहीं रखने दूंगी। क्यों नहीं रखने दोगी आशी जी? ये नाच गाने, ये हंगामे और ये अवारगियां तो आजकल का फैशन है, आजकल की तहजीब है जी। इस गलत तहजीब ने आपके और मेरे दरमियान फासले पैदा कर दिए थे शाहब। ये बहकी और पिकड़ी हुई तहजीब शोहरों से बीवी और बीवियों से शोहर छीन लेती है। मेरी बात मान लीजिए और मेरे साथ घर चलिए। आपकी बीवी, आपकी आशी आपके पाँव पड़ती है। यानी कि आपने हमको शोहर तस्लीम कर ही लिया आशी जी? घर चलो शाहब, ये गलीज माहौल तुम जैसे मासूम लोगों के काबिल नहीं। चलो। कहाँ चलो और क्यों चलो? आप कौन है जी? हम दोनों मियां बीवी के दरमियान बोलने वाले? मैं कौन हूँ ये अपनी इस मॉडर्न बीवी से पूछो, जिसने मुझसे मोहब्बत का खेल रचाया था, धोखा दिया था, यकीन दिलाया था और अब अपनी खोखली बातों का बहलावा देकर तुम्हें यहां से लेने आई है। ये औरत नहीं, तितली है जो खूबसूरत और रंगीन फूलों पर मंडलाना चाहती है। इससे बच सकते हो तो बच जाओ, छोड़ दो इसका हाथ। इसलिए कि जावेद इस खेल का ड्रॉप सीन करके रहेगा। अब वो ड्रॉप सीन कहीं तेरा डेथ सीन ना हो जाए। क्यों मौत को वाते रहे? हर रास्ते से मैं तेरे रास्ते में नहीं, तू मेरे रास्ते में आया था और आज भी मुझे नहीं तुझे अपने कदमों से पीछे हटना होगा। इतना पीछे कि ये कांच की गुड़िया मेरे मजबूत हाथों से टूट जाए। Thank you.
कमीने तेरी ये जुर्रत कि शाहबुद्दीन के होते हुए उसकी श्री के याद से ज्यादा करे छोड़ता कमांडर जो अपनी जगह से किसी ने हिलने की कोशिश की बेटी गिरा देगी मुझे क्या आप पुलिस क्यों लिया शेर साहब ये बदमाश हमारे हाथों मरता तो बहुत अच्छा होता इस जलील आदमी को मारकर तुम अपना मकान जेल में क्यों शिफ्ट करना चाहते हो बेटे दरअसल इसके साथ तो ये होना चाहिए कि पुलिस इसकी पहले खाल उतारे उसके बाद उसके जूते बनवाए और फिर वो जूते इसके सर पे मारे दरअसल थानेदार साहब इसका ताल्लुक ड्राइव क्लब से है जहां पर्दा फरोशी और बर्दा फरोशी का बिजनेस होता है क्यों बेटे आप ठीक कह रहे हैं आशी बेटी का सुधर जाना मॉडर्न बीवियों के लिए एक सबक है उन बीवियों के लिए जो घर का काम काज करने के बजाय शौहर की छुंगलियां पकड़ के क्लब चली जाती हैं। खैर हमारी बेटी का तो नजरा ठीक हुआ थानेदार साहब अब आप जल्दी से इसे स्टील का जेवर पहना दीजिए कैसा सुर्ख रू होके खड़ा है सजा पूरी होने के बाद फिर बदला लूंगा बदले के बच्चे तेरी पूरी लखनी पी जाऊंगा अरे बेटे घर पे चिकन सूप तैयार है इतनी भी क्या जल्दी है थानेदार साहब संभालिए अपनी अमानत को और थाने ले जाकर इसके साथ खूबी तोड़ फोड़ कीजिएगा खूब ले जाइए साबरा बहन मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ दरअसल माँ की गोद बेटी के लिए झूला होती है और आपका झूला शुरू ही से भारी है साबरा बहन सारी गलती हमारी है अगर शादी की पहली रात हम इन्हें बुरी नजर से देखने के बजाय एक टांट लगा देते तो ये सिचुएशन नहीं बनती ऐसा मत कीजिए सुसर जी दामाद के सामने सास जी की पिटाई मत कीजिए जी भाई साहब अब तो माशाल्लाह मेरी आज ही बहू बिल्कुल ठीक हो गई है इसीलिए तो दोबारा सेहरा पहना है अम्मा जी ताकि दुल्हन की ठीक ठाक रुखसती हो जाए महादेवा शाहबुद्दीन साबू महादेवा शाहबुद्दीन साबू करके रहा एक लड़की को काबू महादेवा शाहबुद्दीन साबू महादेवा शाहबुद्दीन साबू महादेवा शाहबुद्दीन साबू